फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए उन प्रश्नों को लिया गया है जो आपके पिछले साल के पेपरों में जीव विज्ञान के ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आपके 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जीव विज्ञान से संबंधित 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और इसे याद करने का प्रयास करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यह पहला नंबर का सवाल है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है कि जड़ में होता है, पत्ती में होता है, तने में होता है या पुष्प में होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से आ रहा हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण जो होता है आपका पत्तियों में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। तो पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है कि पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों की आवश्यकता है, या क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश, या उपर्युक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, स्वपोषी पोषण के लिए आपको जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। फ्रेंड्स, वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब आपका डी वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स कि पित्त का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो पित्त होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है। ऑप्शन है पित्ताशय में होगा, यकृत में होगा, अग्न्याशय में होगा या वृषण में होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए आपका जो पित्त का निर्माण होता है आपका यकृत में होता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है। यह हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स कि कोशिकीय प्रकरणों में ऊर्जा मुद्रा है, यानी ऊर्जा मुद्रा का रूप क्या है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि माइटोकांड्रिया होगा, ग्लूकोज के रूप में होता है, या ATP के रूप में, या पायरूविक अम्ल के रूप में। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जो कोशिकीय प्रकरणों में जो ऊर्जा की मुद्रा है, तो ऊर्जा की मुद्रा हमेशा क्या होता है, ATP में होता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि आपको ऊर्जा की मुद्रा को क्या याद रखना है, ATP। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 100% फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन प्रश्नों को आप जरूर एक जगह लिख लें और एक दो बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सवाल है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस में निभाता है, श्वसन में निभाता है, उत्सर्जन में, पाचन में या पोषण में। तो फ्रेंड्स, देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है श्वसन की प्रक्रिया में निभाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका श्वसन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स आपका कि जो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। फ्रेंड्स, जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए जो मनुष्य होता है उसके हृदय में टोटल चार कोष्ठक होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि जो मनुष्य होता है उसका जो हृदय बना होता है उसमें कोष्ठक की संख्या कितना होता है, चार होता है। ठीक है,
अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सातवां नंबर का सवाल आपका है कि पादपों में जाइलम का कार्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक जाइलम पूछता है, एक फ्लोएम पूछता है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले ऑप्शन को बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए पहला दिया है कि पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है ऑप्शन है उत्सर्जी पदार्थ का संवहन करता है, जल का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है या अमीनो अम्लों का संवहन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाइलम है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ ज और ल मिलकर क्या बनेगा, ज और ल देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से जल बन जाएगा। ठीक है ये क्या करता है, जल का संवहन करता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से आपको जाइलम को हमेशा ज ले लीजिएगा ल ले लीजिएगा तो जल बन जाएगा। और पादप में जल का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। इस तरह ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का देखिए आपके सामने आ गया फ्लोएम। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। आपका ऐसा ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपको दो प्रश्न बता देते हैं। एक तो सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि जो फ्लोएम होता है वो किसका स्थानांतरण करता है। तो फ्लोएम के याद रखिएगा भोजन का पादपों में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। तो पहला प्रश्न तो यही आप याद रखिएगा कि जो फ्लोएम होता है भोजन में, जो फ्लोएम होता है पादप जो होता है उसमें किसका स्थानांतरण करता है या संवहन करता है, तो भोजन का करता है। पहला प्रश्न आप ये याद रखिएगा। फिर आठवां नंबर का सवाल है कि फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में होता है, तो होता है आपका सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है फ्रेंड्स, सुक्रोज के रूप में। तो इसका सही जवाब यहाँ पे होगा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पे दो प्रश्न आप याद रखिएगा फ्रेंड्स ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल आपका है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो मनुष्य होता है उसमें उत्सर्जी अंग कौन सा है। ऑप्शन है वृक्क होगा, फेफड़ा होगा, त्वचा होगा या यकृत होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मनुष्य में उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग का काम कौन करता है, वृक्क करता है। ठीक है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम, जैसे मूत्र उत्र को बाहर निकालने का काम कौन करता है, वृक्क के द्वारा निकलता है। ठीक है तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल है आपका कि मूत्र का निर्माण होता है। देखिए फ्रेंड्स आ गया प्रश्न, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है। ऑप्शन है वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो फ्रेंड्स अभी आपको बता है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होगा, तो वृक्क में होता है। ठीक है इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है जो 11 नंबर का है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आप देखिए उसमें सही जवाब कौन सा होगा, उसका आंसर आप दें। अबीमा पे होता है, इष्ट में होता है या प्लाज्मोडियम में होता है या लिश्मानिया में होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ अलैंगिक जनन जो होता है उसमें मुकुलन द्वारा होता है, तो इसको क्या याद रखेंगे, इष्ट में जो होता है मुकुलन प्रक्रिया होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है। ऑप्शन है तना होता है, पत्ती होता है, जड़ होता है या परक्कलिका होता है। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका कायिक प्रवर्धन है ना, तो देखिए फ्रेंड्स कायिक प्रवर्धन में सबसे अधिक अनुकूल जो भाग होता है वो होता है आपका तना। तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जैसे आपका गुलाब का फूल देखे होंगे, गुलाब का फूल जो होता है उसके एक डंडी को काट के कहीं दूसरे जगह लगा देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है, वही होता है कायिक प्रवर्धन। और इसमें कौन सा भाग लेता है, तो तना को ही काट के आप लगाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तना। ठीक है इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर का देखिए आप कि पराग कोष में होता है। पराग कोष में बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है या बीजांड होता है या परागकण होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा, देखिए पराग कोष में होता है तो क्या होता है, परागकण। अब इस प्रश्न को याद कैसे रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या आ रहा है, प्रा आ रहा है, इसका प्रा लिया गया है। तो इसे देखिए और किसी में देखेंगे तो प्रा नहीं है, तो इसका मतलब प्रा इसमें आ जाएगा। तो लिखा है गण, कण लिखा है तो परागकण। अब इस तरह ट्रिक से अब इसको शब्दों से मेल करके याद रख सकते हैं। ठीक है तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका 14 नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शन है पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आपका अंडाशय। तो फ्रेंड्स जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो पुष्प में अंडाशय होता है वो बदल जाता है आपका फल में। तो किस में बदलता है? अंडाशय फल में बदलता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 15वां नंबर का सवाल आपका है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए मादा जनन तंत्र का आपको बताना है कि कौन सा भाग नहीं है, जैसे अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिनी। तो फ्रेंड देखिए आपको जो मादा जनन होते हैं तंत्र होता है उसमें अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्बवाहिनियाँ भी होती है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होते हैं आपके किस में होते हैं? मनुष्य में होता है। ठीक है, मनुष्य मतलब पुरुष में। ठीक है, ये किस में होता है? पुरुष में। ये जो भाग होता है आपका किस में होता है? पुरुष में। जबकि जो मादा स्त्री होती है, स्त्री में आपको सुनेंगे अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिम्बवाहिनियाँ भी होती है, लेकिन ये शुक्रवाहिका जो होते हैं किस में होते हैं? पुरुष में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, 16वां नंबर का, कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो मेंडल साहब थे अपना जो प्रयोग किया था किस पे किया था? मटर पे किया था। किस पे? मटर पे। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर में। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है, यहाँ पे देखिए कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है? ऑप्शन है लंबे तने, झुर्रीदार उसमें बीज, रंगीन बीज या गोल बीज। तो फ्रेंड्स देखिए उद्यान जो मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है? तो झुर्रीदार बीज होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो मानव होता है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इसको याद रखिएगा, जो मानव होता है उसमें टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, 19 नंबर का, कि डीएनए में पाया जाता है, यानी कि डीएनए में क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है, कोशिका द्रव्य होता है या केंद्रक द्रव्य में, या केंद्रक में होता है या केंद्रिका में। फ्रेंड्स देखिए डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि केंद्रक जो द्रव्य होता है उसमें आपका डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला होगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 20वां नंबर का, कि केवल प्रोटीन बना होता है। तो फ्रेंड जो प्रोटीन होता है किसका बना होता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट का, लाइसोसोम का या प्रायोन्स का या जींस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स केवल व केवल प्रायोन्स का बना होता है। किसका बना होता है? प्रायोन्स का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका 21 नंबर का सवाल है कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको कर लीजिए कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन अरस्तु जी थे, लैमार्क थे, डार्विन थे या ह्यूगो डी ब्रिज थे। तो फ्रेंड देखिए आपका क्या है कि जातियों की जो उत्पत्ति पुस्तक के लेखक माने जाते हैं वो आपके डार्विन साहब थे। कौन थे? डार्विन। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक डार्विन साहब थे। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है जो 22 नंबर का है। देखिए निम्नलिखित में से मनुष्य के जो लार होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो मनुष्य का लार होता है, जैसे अब यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, पेप्सिन होता है या ए और बी दोनों। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे लार जो होता है, मनुष्य का लार जो बनता है ना लार, तो उसमें जो आपका पाया जाता है एक टाइलिन पाया जाता है,
इसके अलावा लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ये दोनों पाए जाते हैं आपके लार में। इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 23वां नंबर का कि यकृत स्रावित करता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो यकृत होता है वो क्या स्रावित करता है? लार स्रावित करता है, अग्न्याशय, जठर रस या पित्त रस? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो यकृत होता है वो पित्त रस, ठीक है, अभी आपको ऊपर वाले सवाल में एक प्रश्न बताए थे कि पित्त रस का श्रावण कौन करता है? यकृत करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं जो 24 नंबर का है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह भी आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछता है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन है खुराना ने, पुण्यतन ने, जहांसन ने या वाटसन एंड क्रिक ने। तो फ्रेंड्स जो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था जहांसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस प्रश्न का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे 25 नंबर का, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती है, ऑप्शन है यानी कि मानव के समान कौन सा अदम है? तो बंदर, चंगादड़, खरगोश या चैंपेंजी? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो मानव के समान है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी चिंपैंजी नामक चिंपैंजी से हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके मोस्ट जीव विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।